हमीरपुर नगर परिषद में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार में तेजी से किया जा रहा है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में प्रत्याशी अजय शर्मा ने डोर टू डोर प्रचार तेज कर दिया है और घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। अजय शर्मा के प्रचार अभियान के दौरान लोग अपनी समस्याओं को भी सामने रख रहे हैं, जिन्हें अजय शर्मा के द्वारा जनता के द्वारा चुने जाने पर दूर करने के आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 के पार्षद पद के लिए चुनाव में उतरे अजय शर्मा ने प्रचार करते हुए कहा कि उनका जो डोर टू डोर प्रचार चल रहा है वह काफी अच्छा है और लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में काफी समस्याएं जो देखने को मिल रही हैं और जो भी लोग समस्याएं हमारे समक्ष रख रहे हैं उन्हें हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले भी चुनावों में उतरे थे और जो भी जनता की समस्याएं थी उनको दूर किया था। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जो भी समस्या स्ट्रीट लाइट सीवरेज और बिजली पानी की समस्या आएगी उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बाढ़ को स्वच्छ बाढ़ भी बनाया जाएगा। बढ़िया है, जहाँ जहाँ हम गए हैं उन लोगों ने भारी जनसमर्थन दिया है और अपना सहयोग देने की हमें पूरा आश्वासन दिया है और काफ़ी बढ़िया बाढ़ में हमें जहाँ जहाँ गए हैं तो हमें अच्छा ये लगता है। लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी ज़्यादा समस्या है, रोड की बहुत बड़ी समस्या है, सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, पार्क हमारे बहुत बुरी तरह ये ध्वस्त हो चुके हैं। इस तरह समस्याएं समस्या हैं, मतलब जहाँ जाएँ वहाँ समस्या समस्या। बाढ़ का बहुत बुरा हाल हो चुका है, पिछले 15 वर्षों में बाढ़ में नामात्र काम हुए हैं। स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था होती नहीं है। इस तरह की बहुत समस्याएं हैं जो कि लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि अगर हम जीत के जाते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर हम जो पार पाएँ। नमस्कार दर्शकों, चुनावी वेला में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपिका। तो अभी हम आए हैं वार्ड नंबर 7 में। आपको पता ही है हमीरपुर के 11 वार्डों में से कई उम्मीदवार जो हैं वो अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर चुके हैं और चुनाव जो हैं वो भी नज़दीक हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी प्रचार प्रसार जो है बहुत ही तेज कर दिया हुआ है। और अभी हम आए हैं वार्ड नंबर 7 में, जहां से अजय शर्मा जी जो हैं वो पार्षद पद के लिए उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो हम उनसे जानने आए हैं कि उनका प्रचार प्रसार जो है वो कैसा चला हुआ है और लोगों का कैसा सहयोग जो है उनको मिल रहा है। और एक बात हमने पूछनी है सर से कि लोग जो हैं अपने वार्ड में क्या क्या समस्याएं जो हैं उनके समक्ष उठा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका प्रचार प्रसार जो है अभियान कैसा चला हुआ है? बहुत बढ़िया चला है मैडम। सर, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो लोगों का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग है और जनता जो पूरा समर्थन कर रही है और वार्ड नंबर 7 की जनता चाहती है कि अजय शर्मा को इस बार पार्षद बनाकर भेजना है। ओके सर, जनता को तो बहुत अच्छा सहयोग बताया आपने कि अच्छा सहयोग मिल रहा है। और जो जनता जो है वो क्या जो है समस्याएं जो है मेन अपने बाढ़ में बता रही हैं आपको? मैडम, बाढ़ की समस्याओं की तो बात ही ना करें, बाढ़ में समस्याएं ही समस्याएं हैं। सड़कों का बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, पार्कों की हालत बदतर हो चुकी है और सीवरेज की भी बहुत बुरी व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 7 में तो समस्याओं का अंबार है और उसको पार करना बड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ वार्ड नंबर 7 की जनता को कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको, जब मैं 2000 से 2005 तक पहले भी पार्षद रहा हूँ तब भी हमने उन समस्याओं से पार पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद 15 वर्ष के बाद मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चुनाव लड़ने के बाद मैंने देखा कि जहाँ जहाँ भी गया वहाँ बहुत समस्याएं हैं, पिछले पार्षदों से बहुत लोग नाराज़ हैं, जो भी हमारे सिटिंग पार्षद हैं अभी तक या जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई सुध नहीं ली है। तो अब जो है उनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उस उम्मीद को पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि जब पहले मैं पार्षद था तो बहुत कम बजट हुआ करता था, 1 करोड़ का बजट होता था, लेकिन आज हमारी नगर परिषद में बहुत बड़ा बजट है। अगर पार्षद सही तरीके से और पूरे जोश के साथ काम करे तो मुझे लगता है कि कोई भी वार्ड की गलियां या नालियां या पार्क अच्छे ना हो ये मैं नहीं समझता हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है और जिस तरह सहयोग मिल रहा है तो मैं बाढ़ को चकाचक कर दूंगा, सड़कें बढ़िया होंगी, सफाई व्यवस्था निरंतर होगी, स्ट्रीट लाइट्स जैसे एक एक महीना बंद रहती है उसको ऊपर लोगों के बहुत ये है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, उनके ऊपर हम ये करेंगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पेमेंट तब मिले जब हमारी स्ट्रीट लाइट ठीक चले, अन्यथा उसकी जो स्ट्रीट लाइट्स है उसमें भी कट लगाएंगे। सफाई व्यवस्था अगर हमारी रोज सुचारू रूप से नहीं होती है तो उस पर भी हम काम करेंगे कि हम सुनिश्चित करेंगे कि बाढ़ की सफाई जो है मतलब अच्छी तरह हो और हमारा बाढ़ जो साफ सुथरा रहे, इस पर हम पूरा काम करेंगे। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 7 से अजय शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स अपने वार्ड में आ रही हैं उनको पूरा वो अच्छी तरह से जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने की वो कोशिश करेंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 7 से अजय शर्मा जी।